हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके चैनल SRS लर्निंग में। बच्चों, ये हमारी एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट वर्कशीट है, जिसको आप EMC जो है शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, EMC की वर्कशीट आप बोलते हैं, वो हमारी वर्कशीट है। वर्कशीट जो हमारी है बेटा, ये EMC की वर्कशीट जो है हमारी नंबर वन वर्कशीट है, ठीक है। तो आपको करना कैसे बेटा, यहाँ पे आपको नेम ऑफ द स्टूडेंट, यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है, नेम ऑफ द टीचर, आपकी टीचर का नाम आएगा, फिर आपको यहाँ पे जो है क्लास दे रखी, क्लास मेंशन करनी है। जो हमारी आज की जो EMC की जो वर्कशीट है, ये नाइन्थ से ट्वेल्थ क्लास तक के बच्चों की जो है हमारी वर्कशीट है, 9th to 12th क्लास के बच्चों की वर्कशीट है। और डेट जो है हमारी बेटा वो है 19 अप्रैल से जो है हमारी 24 अप्रैल तक की, ये जो हमारी आई जो EMC की वर्कशीट है, ठीक है बेटा। तो ये आप याद रखें, ठीक है। और हमारी जो है वर्कशीट नंबर हमारा है नंबर वन, ठीक है बेटा। तो हम शुरू करते हैं अपनी वर्कशीट। अगर आपको हमारा जो है पढ़ाना अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एक बार फिर से सुन लें, जो है ये आपकी वीक में एक ही बार जो है आपकी वर्कशीट आती है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। अच्छा बच्चों, आपको अगर हमारा पढ़ाना जो है अच्छा लगे, पहले आप देखें अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारा जो है सबसे पहले तो आप जो है लाइक का बटन जरूर दबाइए। इससे हमको पता लगेगा कि आपको जो हम पढ़ा रहे हैं आपको अच्छे से समझ में आ भी रहा है कि नहीं आ रहा। फिर जो है अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। शुरू करते हैं, पढ़ते हैं कि प्रिय विद्यार्थियों, आप सोच रहे होंगे कि यह है EMC कौन सा एक नया विषय आ गया। आइए समझते हैं कि यह हमारे लिए किस प्रकार ज़रूरी है, ठीक है। इससे पहले भी हमने क्या है EMC की वर्कशीट पढ़ी थी लास्ट ईयर भी, लेकिन आपको अभी जो है 9th में ही ये जो है ये इंट्रोड्यूस हुई है। तो आने वाले समय में जहाँ एक तरफ टेक्नोलॉजी का बोलबाला होता है, तो दूसरी तरफ पर्यावरण असंतुलन, आपसी असहिष्णुता में जैसे समस्याओं से भी हमें जूझना पड़ता है। ऐसे में हमें नई तरह की नौकरियां, व्यवसायों, उद्यमों के लिए खुद को तैयार करना पड़ता है, क्योंकि ज़रूरी नहीं हर कोई क्या है टेक्नोलॉजी में ही जाए। अगर हम अपनी पसंद का काम करने का सोचें तो भी अपने को तैयार करना होगा। मतलब हम सोचते हैं कि हमें ये बनना है, वो बनना है, तो उसके लिए हमें अपने आप को क्या है अभी से क्या है तैयार करना पड़ेगा। जब आपका सोचते हैं कि आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, IAS बनना, तो आपको अभी से ही क्या है अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। ऐसे परिवेश में सफल होने के लिए रचनात्मक होकर सोचना और आपसी सहयोग से काम करना होगा। जैसे कि एंट्रप्रेन्योर जो है, इसको इसमें इंग्लिश में बोलते हैं एंट्रप्रेन्योर, मतलब उद्यमी कहते हैं। रचनात्मक सोच क्या होती है, जो आप अलग तरीके से सोच पाएँ, ठीक है, कुछ अलग सा करें। साथ ही एक एंटरप्रेन्योर की तरह सोचने की अन्य क्षमताएं भी विकसित कर सकते हैं, मतलब कुछ अलग से क्या कर सकते हैं जिससे आपको क्या है फ़ायदा हो उस, ठीक है। जैसे कि हम अवसर पहचान का कुछ नया, जैसे कुछ बताया ना, कुछ नया कर सकें, कुछ खुद पर भरोसा कर सकें, रिस्क लेने, असफलताओं के सामने डटे रहने के लिए तैयार हों, ठीक है। तो इससे क्या है हमें अब कुछ काम करने के लिए, हमें ये नहीं कि हम असफलताओं से डर जाएं और हम कुछ काम ही ना करें, लेकिन हमें क्या है इससे हमें ये पता लगता है कि हमें असफलता को कैसे जो है सफलता में बदलना है। तो EMC में हम इसी तरह की क्षमताओं को सीखेंगे, लेकिन कैसे, जैसे हम साइकिल चलाना, जो हम साइकिल होती है वो हम चलाकर ही सीखते हैं, या सहयोग करना, लोगों के साथ मिलकर कुछ काम करने के बाद ही हम सीख पाते हैं। इसी तरह इन क्षमताओं को भी अपने आप कुछ करके और उसके बारे में चिंतन करके सीखा और विकसित किया जा सकता है। पहले जो ज़रूरी नहीं है हर कोई इंसान जो है एकदम क्या है कार हो या साइकिल चलाना सीख जाए, थोड़े थोड़ा वो क्या पहले जो कुछ बताते हैं कि आपको ऐसे साइकिल पर चढ़ना है, ऐसे पैडल बनाना है, तो आप कई बार गिरते हैं, 10 बार गिरते हैं, 10 बार उठते हैं, धीरे धीरे क्या है आप जो है आप सीखते जाते हैं। जैसे ये आपको इस डायग्राम में दिखा रखा है, ठीक है। इसके बाद हम क्या इसका नेक्स्ट पेज पढ़ते हैं, क्या है वो कि EMC के वर्कशीट में ऐसा करने के अवसर बनाए गए हैं। शुरुआत करते हैं अपने बारे में जानने से, ठीक है। अपने आप को हमें क्या है आज जानना है। सबसे पहले ध्यान ले चलते हैं कि अपने शरीर की तरफ, सबसे पहले आपको अपनी जो है अपने शरीर की तरफ ध्यान देना है। ध्यान देते हैं अपनी सांसों पर, आइए माइंडफुलनेस करते हैं अपने आप को, क्या है हम अपने आप को पहले ध्यान देते हैं। ये आपने क्या है 8th क्लास में भी क्या है आपने पढ़ा होगा कि आपकी जो है मैडम कहती है कैसे आपको जो है माइंडफुलनेस करवाती होंगी, ठीक है। तो इस गतिविधि को करने के लिए आप किसी परिवार के सदस्य की मदद ले सकते हैं, या आप जो नीचे जो ये आपको निर्देश दिए गए हैं वो कर सकते हैं। ये समझते हैं कि अपनी आँखें बंद करें, अपने आसपास से आने वाली आवाज़ों की तरफ अपना ध्यान ले जाएं। ध्यान दें कि ये आवाज़ें कहाँ से आ रही, जैसे मतलब कहीं आप बैठे हैं, ठीक है, आपको कहीं से आवाज़ें आ रही है, कोई सब्जी बेच रहा है, कोई आपको मम्मी आवाज़ लगा रही है, तो ध्यान दें आपको कहाँ से ये आवाज़ें आ रही हैं। अब
अपना ध्यान अपनी सांसों की तरफ ले जाएं, उसके बाद आप धीरे धीरे अपनी सांसों की तरफ ले जाएं, मतलब आप अपनी सांसों को महसूस कीजिए, ध्यान दे कि सांस कब अंदर आ रही है, कब बाहर जा रही है, क्या ये सांस ठंडी है, गर्म है, तेज़ी से आ रही है या आराम से। जब तक लगे तो आँख खोल लें, दूसरे को बताएं कि आपको कैसा महसूस हुआ। हमारे साथ भी अपने अनुभव को शेयर कर सकते हैं, ठीक है, आपको कैसा महसूस हुआ, या आपने अपने माइंडफुलनेस में भी किया होगा, आपको कैसा महसूस हुआ है कि आपको धीरे धीरे आपको लगा कि आपका जो ध्यान है वो क्या है, आपकी सांसों पे क्या है केंद्रित हो गया होगा। ठीक है, तो स्वयं का मज़ेदार वर्णन एक बार देखते हैं कि अब आपको क्या करना है कि अपनी रसोई में बर्तन या अन्य किसी भी मनपसंद चीज़ के बारे में आप सोचते हुए बताएं कि यदि आपको उनके साथ तुलना की जाए, किचन के सामान कोई भी हो सकता है, कोई खाने का भी सामान हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो आप कैसे अपने आप को करेंगे। रचनात्मक दृष्टि से खुद के बारे में मज़ेदार बातें और जो गुण हैं उनको जो है समझते आप जाइए। ठीक है, जैसे आप हो सकता है कि आप हल्दी के बारे में आप सोच सकते हैं कि आप अपने आप को जो है हल्दी से क्या है कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, हल्दी क्या होती है, जो हर किसी के साथ क्या है रंग चढ़ा देती है। अब आप अपने आप को हल्दी के बारे में समझ सकते हैं कि मैं एक हल्दी की तरह हूँ, कि मैं जिसके साथ भी मिलता हूँ उसके साथ मैं मिक्सअप हो जाता हूँ। जैसे हल्दी जो है किसी के साथ भी जाए वो क्या है मिक्सअप हो जाती है, उसको एक अच्छा रंग देती है, तो आप भी एक हल्दी की तरह हैं। ठीक है, आप जहाँ पर भी जाते हैं किसी के साथ भी मिक्सअप हो जाते हैं, सहयोग करते हैं और उनसे कुछ क्या है सीख पाते हैं, तो ये आप बता सकते हैं। ठीक है, जैसे एक उदाहरण इन्होंने ये भी दे रखा है हमें कि प्रेशर कुकर के आप मान सकते हैं अपने आप के मेरे मन में विचारों की खिचड़ी पकती रहती है, मैं भी कुकर की तरह अपनी चिंताओं को छोड़कर जो है जैसे कुकर जो है अपनी सारी जो हवा होती है निकाल देती, ऐसे ही क्या है मैं जो मेरे अंदर जो सारी चिंताएं हैं दर्द है उनको जो है निकाल कर क्या है मैं शांत हो जाता हूँ। या आप अपने आप को पेड़ के समान भी समझ सकते हैं, क्योंकि पेड़ भी क्या हर परिस्थिति में अपने आप ऊपर क्या आत्मविश्वास रखता है, अपने आप पर कॉन्फिडेंस रखता है और क्या है खड़ा रहता है। साथ साथ ये क्या है दूसरों को क्या है मदद करता है, हर किसी वे में क्या है मदद करता है, छाया देता है। पेड़ से क्या है हमें फल मिलते हैं, फ्रूट मिलते हैं, मेडिसिन मिलती है, ठीक है ना, और सूखने के बाद भी क्या है पेड़ जो है हमारा सहायता करता है, कैसे लकड़ियों के रूप में। ठीक है, तो आप अपने आप को इस तरीके से भी समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा। इसके बाद एक पेज और है ऐसा क्या कि स्वयं का मज़ेदार वर्णन गतिविधि को कर लेने के बाद निम्नलिखित प्रश्नों से सोचिए और अपनी नोटबुक में लिखिए। जैसे आपके अनुसार ये गतिविधि आपके किस क्षमताओं से जुड़ी है, ठीक है, किस क्षमताओं से जुड़ी है मैंने आपके लिए लिखा है। तो ये जो फर्स्ट गतिविधि का आंसर है इसमें आप अपने आप को ऐड भी कर सकते हैं, ये सिर्फ आपके लिए एक मतलब व्यू पॉइंट है कि आप इसको देख के अपने आप क्वेश्चन अपने आप लिखें कि ये गतिविधि मुझे बताती है कि मैं किस कैसे अलग अलग तरह से लोगों के साथ सहयोग करके उनकी मदद कर सकता हूँ और उनसे बिना हिचक के सीख सकता हूँ, मैं अपनी कमियों पर काम कर सकता हूँ। पहला क्वेश्चन आंसर ये होगा कि मतलब कि कैसे लोग होते हैं ना कि कई बार क्या होते हैं मिक्सअप नहीं हो पाते, लेकिन मैं अपने आप को मेरा मतलब मेरे अंदर इतनी क्षमता है कि मैं लोगों के साथ क्या है मिक्सअप हो सकता हूँ। मैं कई बार होता है कि हम उनकी मदद तो कर देते हैं किसी सिखाने में या कुछ में, लेकिन हम उनसे कुछ सीखने में हिचक महसूस करते हैं, लेकिन मैं क्या है बिना हिचक के छोटे से बच्चे से भी क्या है सीख सकता हूँ और जो मेरी कमियाँ हैं उनको भी मैं क्या उन पर काम करके मैं उन पर क्या है उनको सीख सकता हूँ। ठीक है, मैंने इनसे ये महसूस किया। और स्वयं के बारे में जानना किस तरह से हमारे काम आ सकता है, कैसे काम आ सकता है, देखो कि इससे मुझे मेरे स्ट्रॉन्ग और लो पॉइंट या वीक पॉइंट भी आ सकते हैं के बारे में पता लगा, मुझे पता लगा कि मतलब मैं कहाँ पे वीक हूँ कहाँ पे मैं स्ट्रॉन्ग हूँ मुझे इसके बारे में पता लगा और मैं इन पर काम कर सकता हूँ। क्योंकि जब हम खुद सक्षम मतलब हम खुद अगर हम अच्छे हैं हमें मतलब खुद सक्षम मतलब कि अगर हमको किसी के बारे में जानकारी तभी मैं दूसरे को इंसान को सक्षम बनाने में उसकी क्या है मदद कर सकता हूँ, तो मुझे ये क्या है इसके बारे में पता लगा। और तीसरा क्वेश्चन क्या है कि आपको अपने परिवार के सदस्य के बारे में क्या पता लगा कि मुझे उनके अपने परिवार के सदस्यों को और अच्छे से जानने का मुझे क्या है अवसर मिला, मुझे पता लगा कि वो मतलब किस तरीके से दूसरों की सहायता कर सकते हैं, मैं उनकी क्या सहायता कर सकता हूँ, उनमें क्या विशेषताएँ हैं या क्या थोड़ी कमियाँ हैं जो वो सुधार सकते हैं या मैं सुधार सकता हूँ या सुधार सकती हूँ। ठीक है, तो ये हमने क्या है तीनों क्वेश्चन की हमने आंसर लिखे हैं आपके लिए। अब ये क्या अपने बारे में अपने दोस्तों को फ़ोन करके बताइए, उन्हें भी ये गतिविधि करने को कहिए और पता लगाइए कि उनकी विशेषताओं के बारे में, आप भी क्या आपके दोस्तों के बारे में, ठीक है, उनको फ़ोन कीजिए। क्योंकि अगर हम टच में रहते हैं तो हमारा जो दोस्ताना है अच्छा रहता है और हमें टच में थोड़ा सा रहना चाहिए, ठीक है ना। तो एंटरप्रेन्योरशिप माइंड सेट किसी भी कार्य क्षेत्र में बाधाओं से ऊपर उठकर कार्य करने के तरीकों को प्रभावशाली बनाकर सफलता को सुनिश्चित करता है। इसे दिल्ली सरकार शिक्षा विभाग की ओर से यह प्रयास किया गया है कि विद्यार्थियों में एंटरप्रेन्योरशिप माइंड सेट विकसित करने के लिए कक्षा
चलाई जाए जिससे कि वे अपने आप को जाने और एंटरप्रेन्योरशिप को सम्मिलित करें। ठीक है, आप इस विषय के लिए अपने स्कूली बच्चों 10वीं 11वीं 12वीं से बात कर सकते हैं और पाठ्यक्रम के बारे में उनसे जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये आपकी एंटरप्रेन्योरशिप की जो है फर्स्ट आपकी वर्कशीट है EMC की। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। तो आप प्लीज़ हमारा सबसे पहले तो प्लीज़ लाइक के थ्रू हमें ज़रूर बताइए कैसा लगा, और प्लीज़ अगर अच्छा लगा तो हमारा चैनल जो है SRS लर्निंग उसको सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। ठीक है, मिलते हैं आगे के वर्कशीट के साथ। और सारी वर्कशीट हमारा चैनल है KG-9 की जो वर्कशीट आपको अवेलेबल करने की पूरी कोशिश करता है, तो प्लीज़ वो भी ज़रूर देखिएगा। मिलते हैं वर्कशीट के साथ। और हाँ, COVID-19 से बच के रहिए, मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी का ध्यान रखें। ठीक है, और इससे आप अपने आप को भी और दूसरों को भी, प्रियजनों को भी बचा पाएंगे। बाय बच्चों।